हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक दिस इस्तानिया योर कंप्यूटर फैकल्टी सो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे वेरियस इनपुट डिवाइजेज़ उन इनपुट डिवाइज के यूजेस नाउ इन दिस वीडियो हम लोग करेंगे वेरियस आउटपुट डिवाइेज एंड उन आउटपुट डिवाइस के यूजेस अब आउटपुट डिवाइस के यूज़ तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस एक्चुअल में है क्या तो आउटपुट डिवाइसेस हम किन्हें कहते हैं उन डिवाइसेस को विच डिस्प्ले और गिव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर जब भी आप एक कंप्यूटर में इनपुट देते हो प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी डिवाइसेस से आपको आउटपुट मिलता है उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है अब आउटपुट डिवाइसेस भी कैटेगराइज होते हैं जैसे कि हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस समझे थे तो आउटपुट डिवाइसेस कैटेगराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट जैसा आउटपुट देते हैं अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमें आउटपुट देते हैं हार्ड कॉपी की फॉर्म में अब हार्ड कॉपी से मतलब है ऐसा आउटपुट देते हैं जो आउटपुट टैंजिबल है आप जिसे टच कर सकते हो जो फिजिकल है कुछ आउटपुट डिवाइस आउटपुट देते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में अब सॉफ्ट कॉपी से कहने का मतलब है जो इंटानजेबल फॉर्म में आउटपुट देते हैं अब हार्ड कॉपी की फॉर्म में कौन कौन से ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आउटपुट देते हैं सो so, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्रिंटर्स है ना प्रिंटर्स हमेशा ही जो भी इनपुट हम देते हैं जो भी हम लोग डाटा एक कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं हमें उसका आउटपुट देता है एक प्रिंटेड फॉर्म में एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में तो प्रिंटर कौन सा इनपुट डिवाइस हुआ आउटपुट डिवाइस हुआ जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में देता है उसी के तरीके से एक और आता है जो है प्लॉटर्स सो प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स ऐसे आउटपुट डिवाइज की कैटेगरी में आते हैं जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं बात करें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में तो जैसे मॉनिटर्स अब देखो मॉनिटर स्क्रीन पर मॉनिटर पर आपको जो भी आप डेटा एंटर करते हो आपको दिखाई देता है क्या वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में है टेंजिबल है आप उसे टच कर सकते हो नहीं ना वो सिर्फ आप एक स्क्रीन पर देख सकते हो तो वो आपको कैसा आउटपुट दे रहा है इंटेंजिबल सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में उसके अलावा जैसे प्रोजेक्टर एंड थर्ड वन इज स्पीकर तो ये वो आउटपुट डिवाइजेस हैं जो इंटेंजिबल यानी कि सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं नो वन बाय वन हम इन सभी के टाइप्स एंड यूजेस समझेंगे एंड बिफोर स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है प्रिंटर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो प्रिंटर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज में आती है डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं डिफरेंट प्रिंटर्स का स्पीड किस तरीके से वो वर्क करते थे तो ये सब कुछ हमें पूछा जाता है प्रिंटर्स में आप प्रिंटर्स क्यों पूछा जाता है क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में ज्यादातर इसे ही यूज़ करते हैं तो प्रिंटर्स के बेसिस पे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मॉनिटर के बेसिस पर भी पूछे जाते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दू प्रिंटर्स हैं तो सबसे पहले हम लोग हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइसेस ही पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में सो स्टूडेंट्स अब प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं प्रिंटर्स का यूज़ हम लोग करते हैं डेटा की प्रिंटेड कॉपी सेव करने के लिए राइट हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉन्ग लास्टिंग सेव करने के लिए हम उसका एक कॉपी अपने पास रखते हैं प्रिंटेड कॉपी अपने पास रखते हैं उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटर्स का अब प्रिंटर्स एक पेज पर भी हमें प्रिंटिंग देता है क्लोथ्स पर भी देता है स्लाइड्स पर भी देता है तो किसी भी चीज पर हम एक प्रिंटिंग लेने के लिए डेटा का हम यूज करते हैं प्रिंटर्स को राइट right? डेली लाइफ में यूज करते हो ये चीज़ तो मालूम ही है अब प्रिंटर्स जो हैं वो कैटेगराइज होते हैं थ्री मेजर कैटेगरीज में और अपनी वर्किंग के बेसिस पर वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं पहले तो देखते हैं हम लोग मेजर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है सीरियल प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर को हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं अब इसे कैरेक्टर प्रिंटर क्यों कहा जाता है क्योंकि ये वन करेक्टर एट अ टाइम एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है आजकल इन कंप्यूटर्स का यूज बहुत कम हो गया है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो पहले यूज किए जाते थे कौन कौन से हैं आगे बताऊंगी तो ये वन करेक्टर एट अ टाइम ही प्रिंट करते थे स्पीड बहुत ज्यादा नहीं था ठीक है तो जैसे कि हम लोग इसकी स्पीड की बात करें सो स्पीड रेंजेस फ्रॉम टू टू 400 हंड्रेड सीपीएस सीपीएस का मतलब क्या है कैरेक्टर पर सेकेंड फुल फॉर्म याद रखना है सी पी एस का सी पी एस का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकेंड तो ये पर सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता था 200 से 400 जिसका क्या मतलब हुआ कि 90 टू 180 एटी लाइन्स पर मिनट ये टाइप कर सकता था अब एल पी एम एल पी एम का मतलब क्या है लाइन्स पर मिनट ये छोटे छोटे एब्रीविएशन आपको याद रखने हैं ठीक है जी नेक्स्ट आते हैं लाइन प्रिंटर्स पर अब लाइन प्रिंटर्स नाम ही बताता है कितनी लाइंस प्रिंट करेंगे अब ये क्या करते थे लाइंस में प्रिंट करते थे ये कैरेक्टर्स में प्रिंट करता था ये लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करते थे अब लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग एज एन कितनी करते थे 400 से 200 सौ लाइन्स पर मिनट एल पी एम और ये कॉमनली इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता था इंडस्ट्रियल एरियाज में या डाटा स्टोरिंग डाटा सर्वर्स में इनका ज्यादातर यूज किया जाता था ठीक है नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज पेज प्रिंटर अब पेज प्रिंटर नाम से ही पता चलता है पेज में अब ये क्या करते थे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते थे line line. ये लाइन बाय लाइन ना पेज बाय पेज प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं 800 पेजेस पर मिनट का इनका स्पीड है अब यहाँ पर एक और एब्रीविएशन मिला पी पी एम पी पी एम का मतलब क्या है पेज पर मिनट ठीक है जी उसके बाद इट इज़ एबल टू प्रिंट लार्ज डाटा ऑब्वियसली पेज पर मिनट 800 हंड्रेड पेजेस पर मिनट अगर ये प्रिंटिंग स्पीड है तो लार्ज डाटा प्रिंट करने में हेल्प करेगा ठीक है तो ये है बेसिक टाइप्स ऑफ प्रिंटर अब इसमें आपको याद क्या रखना है बस ये समझ लो कैरेक्टर प्रिंटर ही सीरियल प्रिंटर है ठीक है कैरेक्टर प्रिंटर यानी कि कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है लाइन line, लाइंस को लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है पेज पेज बाय पेज प्रिंट करता है स्मॉल एब्रीविएशन जैसे एलपीएम पीपीएम सी ये याद रखना है और इनका स्पीड भी याद रखना है मैंने मेजर पॉइंट्स ही लिखे हैं आपको इनके लिए बस इतना ही याद रखना है ठीक है उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ प्रिंटिंग जैसे जैसे ये प्रिंटर्स जैस जिस तरीके से ये इनका जो भी तरीका है प्रिंटिंग करने का उसके बेसिस पर भी प्रिंटर्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है फर्दर कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो वन बाय वन समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स किन्हें कहते हैं नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स मैं आप लोगों को अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो ये वर्क कैसे करते थे इनमें यूज़ होता था एक हैमर का हैमर यानी कि जैसे एक हथौड़ा होता है उसके लाइक एक हैमर का यूज़ होता था जिस पर कैरेक्टर्स जो भी हम एल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स टाइपिंग करने के लिए या प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कैरेक्टर्स उस हैमर पर छपे होते थे हम एक स्टिक की तरह बोल दें ठीक है उस पर छपे होते थे उसके नीचे रखा जाता था पेपर एंड उसके नीचे एक इंक रिबन होता था जब भी ये प्रिंटर वर्क करता था प्रिंटिंग के लिए तो ये तीनों ही आपस में स्ट्राइक करते थे अब करेक्टर एकदम से स्ट्राइक करता था उस पेपर पर और जिससे वो कैरेक्टर उस पेपर पर छपता था ठीक है जैसे कि आप लोग डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हो ट्रांसफर द इमेज ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ पेपर रिबन एंड कैरेक्टर टुगेदर पेपर रिबन और कैरेक्टर को एक साथ स्ट्राइक करके जो भी कैरेक्टर या फिर पेपर जो भी इमेज होता था वो पेपर पर ट्रांसफर किया जाता था छपता था उस पर ठीक है अब ये कैरेक्टर कैसे छपता था मैंने आपको बताया हैमर लाइक -like होता था उसके ऊपर वेरियस कैरेक्टर्स लिखे गए होते थे ठीक है अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो इंपैक्ट प्रिंटर्स फर्दर कैटेगराइज होते हैं दो मेजर कैटेगरीज में दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं डेजी व्हील प्रिंटर एंड डोट मेट्रिक्स प्रिंटर अब वन बाय वन समझते हैं इनके बारे में सो डेजी व्हील प्रिंटर अगर आप लोग देखें तो डेजी व्हील प्रिंटर दिखता है कुछ इस तरह से

की प्रेस करते थे और वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टाइप करता जाता था अब ये भी कुछ उसी तरीके से वर्क करता है उसी तरीके से कैसे वर्क करता है अब ये प्रिंटर जब भी अपना वॉकिंग स्टार्ट करेगा तो क्या होता है व्हील रोटेट करता है जो भी एक व्हील लाइक डिवाइस है बीच में वो रोटेट करता है और जो भी जितने भी स्पोक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया हैमर लाइक स्पोक्स होते हैं जो पेपर पर स्ट्राइक करके वन बाय वन प्रिंट करते जाते हैं है ना तो ये जी डिफरेंट स्पोक्स इस प्रिंटर में बने होते हैं ये थ्रू अ इंक रिबन पेपर पर कैरेक्टर्स को प्रिंट करते जाते हैं ठीक है तो अगर इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो इसका स्पीड जनरली स्लो रहता है जैसे आप लोग देख सकते हैं 180 एटी तो टू टू कैरेक्टर्स पर सेकंड का इसका स्पीड है काफी स्लो है एंड नॉइजी प्रिंटर्स में भी आते हैं सभी के सभी इंपैक्ट प्रिंटर्स ठीक है तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर ध्यान क्या रखना है इसके बारे में याद क्या रखना है एक तो वो जो मैंने आपको बताया प्रिंटिंग डिवाइस जिसे हम लोग डेजी व्हील या डेजी प्रिंट कहते हैं प्रिंटिंग स्पीड ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। सो द नेक्स्ट वन इज डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर अब डॉट प्रिंटर्स के नाम से ही हमें समझ आता है डॉट अब ये प्रिंटर अब जनरली हम लोगों ने डेजी व्हील प्रिंटर में क्या पढ़ा कि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है लेकिन ये प्रिंटर वर्क कैसे करता है ये वर्क करता है डॉट्स को प्रिंट करके अब जैसे मैंने आपको बताया हैमर लाइक स्ट्राइक करेगा थ्रू अ इंक सोक्ड रिबन और पेपर पर प्रिंट करेगा लेकिन ये प्रिंट कैरेक्टर नहीं करता ये प्रिंट डायरेक्ट इमेज नहीं करता था ये डॉट्स के थ्रू डॉट बाय डॉट प्रिंट करके एक कैरेक्टर को फॉर्म करता है या फिर हम कह सकते हैं कि इमेज को फॉर्म करता है ठीक है तो जनरली इसका अगर हम लोग प्रिंटिंग मेथड का बात करें तो ये अप एंड डाउन टू एंड फ्रो प्रिंटिंग मेथड फॉलो करता था लेकिन जहां तक हम लोग डेजी व्हील की बात करें तो वह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टाइप करता था ठीक है अगर इसकी स्पीड आप लोग देखो तो स्पीड इसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू तो डेजी व्हील प्रिंटर क्योंकि इसका स्पीड आप लोग देख सकते हैं क्या है वन एटी टू थ्री सिक्स पर सेकेंड और ये कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी आउटपुट हमें नहीं देता ठीक है अनदर पॉइंट जो है वो है कि comparatively expensive है वो कि ये एक्सपेंसिव दिस पर्टिकुलर प्रिंटर से इसका यूज आजकल नहीं किया जाता इंपैक्ट प्रिंटर्स का ये बहुत ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं और पहले यूज किए जाते थे ठीक है तो ये है डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स जो डॉट्स को प्रिंट करके आपका एक इमेज या पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर्म करता था एक पेपर पर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब हम समझेंगे वन बाय वन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बिल्कुल भी इंपैक्ट प्रिंटर्स की तरह वर्क नहीं करते थे इसीलिए इनका नाम अपोजिट है नॉन इम्पैक्ट है अब इंपैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता था हेमर स्ट्राइक करता था अगेंस्ट अ रिबन जिसमें इंक फिल्ड होता था और वो करेक्टर प्रिंट करता था लेकिन इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी आती हैं इंक जेट एंड लेजर प्रिंटर्स और हम लोग इन्हीं के साथ समझेंगे कि इंपैक्ट प्रिंटर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इंक जेट प्रिंटर है क्या नाउ इंक जेट प्रिंटर तो नाम में क्या स्पेसिफिक वर्ड है इंक तो ये एक पर्टिकुलर प्रिंटर कैसे वर्क करता था ये पेपर पर इंक को स्प्रे करके इमेज या कैरेक्टर को प्रिंट करता था बेसिकली आप लोगों को बता दूँ जो अपने होम में आप लोग कंप्यूटर्स कंप्यूटर होम कंप्यूटर्स के साथ जो आप लोग प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं वो इंक जेट प्रिंटर्स ही हैं जिसमें आप लोग यूज़ करते हो कार्ट्रेज़ का है ना काटरेज का यूज़ करते हो ब्लैक होता है या कलर्ड फॉर्म में होता है तो वही क्या है वही है इंक जेट प्रिंटर वर्क कैसे करता था बेसिकली स्प्रे करता है क्विक ड्राई जो जल्दी से ड्राई हो जाता है इंक किसके ऊपर पेपर के ऊपर और इंक जनरली स्टोर्ड किस में रहता है कार्टरेजेस में अब ये पर्टिकुलर प्रिंटर दो टाइप का होता है कलर्ड भी होता है एंड मोनो कलर्ड भी होता है मोनो यानी कि सिर्फ ब्लैक एंड कलर्ड जिसमें हम कलर्स भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब कार्टरेजेस जो हैं जनरली हम लोग अगर हमारे पास सिर्फ ब्लैक प्रिंट ब्लैक इंक वाले जो रहते हैं मोनो प्रिंटर्स रहते हैं उसमें सिर्फ हम ब्लैक कार्ट्रिज यूज करते हैं अगर आप लोगों ने देखा हो तो कार्ट्रिज कुछ इस तरीके से दिखते हैं ठीक है कलर्ड में हम लोग कलर्ड कार्टेजेस का यूज़ करते हैं जिसमें मेजर कलर्स का यूज़ किया है जैसे जैसे रेड ग्रीन ब्लैक येलो इन कलर्स का यूज किया जाता है उसके बाद अगर मैं प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करूं स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग क्वालिटी आप होम में यूज घर पर यूज करते हैं मेजरली शॉप्स पे भी इसी तरह का कंप्यूटर होता है इसी तरह का प्रिंटर होता है तो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है स्पीड की बात की जाए तो थ्री सिक्सटी टू सिक्स हंड्रेड इसका स्पीड रहता है ठीक है तो ये है इंक जेट कंप्यूटर आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा आप लोगों ने जनरली अभी, अभी अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के प्रिंटर्स को आप लोग देखते ही हो अब नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है लेजर प्रिंटर अब लेजर प्रिंटर नाम ही डिफाइन करता है तो ये बीम ऑफ लेजर लेजर लाइट को यूज कर कर इमेज या कैरेक्टर को प्रिंट करता है ठीक है तो इसमें क्या रहता है एक एक्चुअली में एक ड्रम रहता है तो जब भी लेजर लाइट उस पर्टिकुलर पेपर पर हिट करती है तो ड्रम रोल करता है जिससे क्या रहता है कि वो पर्टिकुलर इमेज जो भी इमेज या करेक्टर आपको प्रिंट करना है वो उस पर प्रिंट होता है ठीक है इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड है 12 टू 20 पेजेस पर मिनट ठीक है और इसका क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज हाई क्वालिटी प्रिंटिंग हमें ये देता है सो दिस इज़ द लेज़र प्रिंटर ठीक है जी तो ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स सो so, अब हम पढ़ेंगे अनदर आउटपुट डिवाइस जो देता है आउटपुट इन दी फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और वो क्या है प्लॉटर्स अब प्लॉटर्स प्रिंटर्स से डिफरेंट कैसे हैं देखो प्रिंटर्स को हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारा डेटा है उसका एक हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड कॉपी रखने के लिए लेकिन प्रिंट प्लॉटर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट वे में यूज़ होते हैं डिफरेंट वे में आज इन प्लॉटर्स का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं बेसिकली जोग्राफिकल इमेज जनरेट करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इसे एडवर्टीज़मेंट पर्पजेज़ के लिए जैसे आप लोग वेरियस आई कैन से वेरियस पोस्टर्स देखते हैं जो एडवर्टीज़मेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन राइट आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं मैप्स वगैरह जनरेट करने के लिए प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्लॉटर्स का यूज करते हैं एज यू कैन सी प्लॉटर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं ठीक है और इनका यूज जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट जोग्राफिकल आउटपुट इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट एज कंपेयर टू प्रिंटर्स हाई क्वालिटी आउटपुट जेनरेट करते हैं दैट इज़ वाई ये प्रोफेशनल एरियाज़ में यूज़ होते हैं यूजड बाई इंजीनियर्स डॉक्टर्स या फिर हम वेरियस ऑर्गनाइजेशंस अपने एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए जो भी उनको पोस्टर्स या फिर वैकेंसी लार्ज इमेज जनरेट करने हों तो उसके लिए प्लाटर्स uh, का यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चुर इमेज मैप्स के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है प्लॉटस का ही यूज़ किया जाता है प्रिंटर्स का यूज़ नहीं किया जाता सो so, अभी जो हम लोगों ने पढ़ लिया है स्टूडेंट वो हम लोगों ने पढ़े आउटपुट उटपुट जो हार्ड कॉपी जनरेट करते थे ठीक है तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे वो आउटपुट डिवाइज जो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आप लोगों को आउटपुट देते हैं सो टिल देन, गुड लक, गुड बाय।